नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पीएम ईविद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बतौर खास हम लेकर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जहां पर आज हम समझेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तमाम तरीके के फूड रिसोर्सेज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं। कुछ हमारी चॉइस के अनुरूप हैं और कुछ हमारी चॉइस के अनुरूप नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो चॉइस के अनुरूप नहीं है वही सबसे ज़्यादा हेल्दी है, जिनके प्रति हमारी आई थिंक रुचि नहीं होती, लेकिन उनको हमें कहीं ना कहीं आत्मसात करने की ज़रूरत है। और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपकी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको हमें समझना चाहिए, उनको हमको ज़िंदगी में उनका अमल हमें करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को लंबे समय तक शारीरिक रूप से फिट रख सकें। चलिए, यहाँ पर तो माहौल बन गया है, साइंस का बेसिकली ये सब्जेक्ट है और कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। ऑलराइट, फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक टेलीफोन नंबर अक्सर हम आप सभी तक पहुंचाते हैं, देखिए अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर 8800440559, ये है वो टेलीफोन नंबर। यहाँ आप हमें फ़ोन करें। और पिछले सेशन में एक छात्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया था और मेरी यहाँ से भी गुजारिश है एनसीईआरटी के मंच से कि आप ज़रूर इस नंबर को घुमाएं, थोड़ा सा फ़ोन ऑन करके अपने प्रश्नों को ज़रूर पूछें। मेल भी कर सकते हैं आप dth.class9@cit.nic.in, ये है वो मेल आईडी जहाँ पर आप अपने सुझाव मेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेडी एडमिंड कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका वर्ष ने। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम स्वस्थ हूँ और नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि जी नए वर्ष की शुरुआत में ही हमारे विद्यार्थी आपसे कुछ ऐसा सीखें कि वो जब तक इस क्लास को याद रखें, उनके जहन में जो आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स यहाँ से देने की कोशिश करें, वो लंबे समय तक वाबस्ता रहे। पूरा समय आप। बिल्कुल, थैंक यू सर। A very good afternoon students and a very happy new year to you also. So, जैसे सर ने कहा कि आज हमारा जो टॉपिक है बात करने का स्टूडेंट्स, वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो दिस चैप्टर इज देयर इन योर क्लास 9 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिकली। सो नाउ वी विल बी हैविंग अ फोकस डिस्कशन ऑन दिस। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन विद दिस बाई टेलिंग यू द मेजर फोकस ऑफ द डिस्कशन, कि आज हम बात क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी नोइंग अबाउट द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेरी ब्रीफली। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इश्यूज, कंसर्न्स एंड चैलेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के संदर्भ की बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं या चैलेंजेस हैं जो हमें फूड के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आते हैं, कि क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, क्या उसके रिसोर्सेज हैं, क्या उसका हेल्थ कोशेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। Last thing that I would like to talk in this session specifically is that improvement in cropping. उनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो crop variety है, हमारी जो food है, उसको हम किस तरह से उसकी quality और yield को हम improve कर सकते हैं। So this is what is the major focus of discussion today. Let's move ahead. So first of all students, as we know, the food is something which is one of the most basic needs of human beings. We cannot do, as we talk about oxygen, we talk about other things, water, we talk about food. So food is very important. And in your previous classes, you know it very clearly that there are specific components of a food which make a food a healthy food, a balanced diet food. So these are carbohydrates, this is protein, this is fat, this is vitamin, minerals and fibers. These are some of the crucial components of the food which is there. So definitely when we are talking about food, we would like to have a healthy food which is rich in carbohydrate, fat, protein, vitamin, mineral and fiber, and of course water. So these things are there. Now this is our one of the most important basic needs. We want it and we want a healthy food. Now from where will we get it? What is the source of food? So from our previous classes we know the source of, there are two primary sources of food. One is the plant origin and another is the animal origin. So we get the food from plants and animals. So of course we have agricultural practices. हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारा देश तो बहुत ज़्यादा हम जिसको कह सकते हैं agriculture based हमारा country है. Extensively हम लोग agriculture में involved हैं और बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी हमारे होती है, तो वहाँ से हमें food product मिलता है. दूसरा जो source है वो animal husbandry है, यानी कि जो animal sources हैं, poultries हैं, farms हैं, livestock हैं, fishes हैं, ये सारी जो चीजें हैं इनसे हमें फूड मिलता है। सो नाउ दिस इज समथिंग विच इज, वी नो दैट फूड इज वन ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट नीड्स एंड दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द फूड इन आवर कंट्री। ऑफ कोर्स एनीवेयर, बट इन आवर कंट्री वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली, बिकॉज नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड
that it is not something that all of us know, that food we need, but food is not available to everybody. We know there is a vast disparity among different sections of people. The reasons might be different, socio-cultural reasons, socio-economic reasons, you know, the kind of availability of the food, accessibility of the food, and wastage of food. So many things are there. So there are specifically challenges. One of the biggest challenges, students, in front of us is that we are a big population. India is a big population. We are approximately 1.4 billion people, means 140 crore, approximately 140 crore log hum hain. And food is the basic need. Two times a meal, three times a meal, kam se kam jo hume basic chahiye, wo hume chahiye hi sabko. To isko hum ye nahi keh sakte ki ye luxury hai, aaj nahi mila to chal jayega, kal nahi mila to chal jayega. This is something which is utmost important. To hamare paas 1.4 billion population hai, aur sabka pet hume bharna hai. ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात मैं कर रही हूँ, इसको समझिए आप. तो ह्यूज पॉपुलेशन है, हमें खाना चाहिए. तो हम एक्सटेंसिवली पहले से ही हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं. तो अगर हम ये देखें कि हमें रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज की कमी आ रही है, खाना नहीं है, चाहे वो प्लांट सोर्सेज हों, चाहे वो एनिमल सोर्सेज हों. तो अगर फूड हमें अवेलेबल नहीं है, सो वॉट इज द रीजन, वॉट इज द सोल्यूशन, ये हमें देखना पड़ेगा. तो क्योंकि लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड ऑलरेडी एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड है हमारा. उससे ज्यादा लैंड को अगर हम ये कहें कि हम और भी ज्यादा लैंड को करना शुरू कर देंगे एग्रीकल्चर, तो फिर हमारा जो रेजिडेंशियल है, हमारा जो कॉर्पोरेट है या हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा. तो प्रियंका जी, थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर रुक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ. आपने बहुत ही एक इशारा किया है, आपने बताया कि 1.4 बिलियन आप आबादी की बात कर रहे हैं. ओब्वियसली यस, हमारे कंट्री में है. और जो आपने फूड रिसोर्सेज की बात की है, आपने एनिमल रिसोर्सेज की बात करी, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करी, एंड ऑफ कोर्स आपने प्लांट्स की बात करी. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो मिल रहे हैं, ओब्वियसली मिल रहे हैं, लेकिन 1.4 बिलियन जनता की जो बात करें कि कहीं हमें खाना अवेलेबल हो रहा है, कहीं पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो अनुपलब्धता की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का डेवलपमेंट अगर हम एक अवधारणा है, उसको अगर हम ध्यान में रखें, तो उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है सर, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन. क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने भी और हमारे सामने भी बहुत ये चैलेंजेस हैं. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज वर्ड है आजकल. हम सब लोग कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होने चाहिए. तो वो क्यों होने चाहिए? डेफिनेटली बिकॉज सस्टेनेबिलिटी का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो चीज हमारे पास अभी है, जो रिसोर्सेज हमारे पास अभी हैं, उनको हम इस तरह से यूज करें, उस तरह से प्रयोग करें कि वो इतने डिग्रेड ना हो जाएं कि वो आने वाली जेनरेशन के लिए अवेलेबल ना हो. चाहे वो एयर क्वालिटी हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं. रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है. दे आर देयर इन गिवन क्वांटिटी. तो अगर आप उसको फिनिश कर देते हैं, अगर आप उसको जुडिशियसली यूज नहीं करते हैं, देन दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द कमिंग जनरेशन. सो वी नीड टू मेक श्योर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी आर यूजिंग इट इन सच अ मैनर दैट दिस इज अवेलेबल नॉट ओनली टू द प्रेजेंट जनरेशन, बट ऑल्सो अवेलेबल इन द सेम कंडीशन, सेम हेल्दी एनवायरमेंट इज देयर फॉर द अपकमिंग जनरेशन ऑल्सो. सो दिस इज वॉट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सर क्या बात है, भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करते हुए आंसर मैं समझता हूँ यह है. और जितने भी यंगस्टर्स हैं, आई थिंक उनको ज़रूर ये चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है. इससे भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल सा एक सवाल है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा विषय से विषयांतर ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये एक सामाजिक धुरी को आई थिंक यंगस्टर्स को थोड़ा सा मैसेज देने वाली बात ज़रूर है. आपने इतने अच्छे न्यूट्रिशंस की बात करी, आपने इतने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ भी बताए जो आपके शरीर को फिट रखते हैं. एक ये जंक फूड वाली एक क्रांतिकारी मैं समझता हूँ कि अवधारणा जो आई है, यंगस्टर्स पर बहुत फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कितना घातक है? क्योंकि आपने भविष्य की तरफ जो समस्याएं निर्धारित करी हैं, एक इशारा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या का मर्म है. थोड़ा सा इसको भी समझे एहतियातन, अगर यंगस्टर एडोलेसेंट्स इस बात को समझ जाओ, तो मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा बीमारी तो यूँ ही खत्म हो जाएगी. प्रियंका जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक कहा. क्योंकि ये जो फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट अभी प्रेवलेंट हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए डिजास्टर्स है. क्योंकि इसमें हम एक चीज़ समझें कि जितनी भी चीज़ें जो फास्ट फूड होता है, उसमें प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं सारी, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो या प्रोटीन्स हो, ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड होती हैं. तो बहुत ज़्यादा जिनका सैचुरेटेड अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में ये होती हैं, और वो बैलेंस नहीं होते हैं. तो जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स का,
वो नहीं होता है। अगर हम कोई भी स्वीट्स की बात करें, बाहर से अगर हम कोई भी प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा शुगर कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे एक चीज और है जिसे हम अपने टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं अपनी ही खुद की कंट्री की अगर हम बात करें, तो एक तरफ हम देखते हैं कि एक सर्टन सेक्शन है जो ओबेसिटी से परेशान है, जिसको बहुत ज्यादा मोटापे की समस्या जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेल न्यूट्रिशन है क्योंकि वहां पे फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज हमें दोनों एक्सट्रीम्स को हमें देखना पड़ेगा और इसको हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा फॉर द सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अगर हम हेल्दी फूड की तरफ जाते हैं, अगर हम हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस को हम अपनाते हैं, तो वो दोनों तरह से अच्छी होंगी, हमारे लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी अच्छी होंगी और वो सोशल लेवल पे भी अच्छी होंगी, क्योंकि सबके लिए सबकी हेल्थ प्रमोट होती है उससे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ की सफल शुरुआत करें तो उसमें सबसे पहले जो उदाहरण है वो आप अपने आप को स्थापित करते हुए आगे की तरफ लेके जाएं। तो यस, मैं तो खैर कोशिश करता ही हूँ और कुछ कमियाँ ज़रूर हैं, समय को देखते हुए ठंड है तो कुछ ना कुछ ज़रूर खाने का मन करता है, लेकिन यस, शरीर के लिए जो आवश्यक है आप उसको ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ जाएं। यस, आगे से याद है प्रियंका जी, आगे बढ़ते हैं सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इसी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए अब हम समझते हैं कि हम अगर बात कर रहे हैं अपने फूड अवेलेबिलिटी की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लैंड को तो हम इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जितने भी एनिमल रिसोर्सेज हैं, जहां से हम एनिमल हस्बेंड्री जिसको कह रहे हैं, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो या पोल्ट्री हो, वहां से भी हम ये देख रहे हैं कि वो भी हमारे पास है। अब उसमें हम किस तरह से फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं? सो द ओनली वे इज दैट वी नीड टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे एफिशिएंसी उस प्रोसेस में लाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, वहां पे एफिशिएंसी हम किस तरह से लाएं कि ज्यादा फूड को हम प्रोड्यूस कर सकें। तो इसके लिए आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा 1960s के आसपास इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ये बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है। और सर, स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के एंड में लिंक्स भी दिए हुए हैं कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के, व्हाइट रेवोल्यूशन के। सो स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको देखने के बाद आप प्लीज जाइए और लिंक्स को भी देखिए यूट्यूब पे, ताकि आपकी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बने इन चीजों के बारे में। लेकिन क्रक्स में मैं ये कहना चाहूंगी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन पर्पज था वो ये था कि हम किस तरह से अपने प्रोड्यूस को बढ़ाएं। तो इस तरह की हम अपने सीड वेराइटी जो थी, जो सीड को हमने प्लांट किया, सो किया फार्मिंग में, उसको हमने इस सीड वेराइटी को सो किया जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ गए। लेकिन यार इसमें एक चीज ये थी कि इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, सिंचाई की, इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से लॉन्ग रन में हम अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमने कह दिया, प्रोडक्शन तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन क्या लॉन्ग रन में हमारे सॉइल के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए या फिर एनवायरमेंट के लिए ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं, ये भी अब दोबारा से समझने वाली बात है। और बहुत सारी चीजें जिसपे हम काम कर रहे हैं, तो हमने कोशिश करी फूड प्रोड्यूस बढ़ाने की क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, खाने का हमें प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। अगर हम मिल्क के एरिया में बात करें तो व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है वो लाया गया, ये गुजरात में हुआ था और कुरियन वर्गीज नाम के साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया था, और वहां पे उन्होंने बहुत इस पे एक्सटेंसिवली काम किया, जिसमें हम अभी अमूल ब्रांड की बात करते हैं या मदर डेयरी की बात करते हैं या ऐसे बहुत सारी डेयरीज हैं स्टेट में भी जिनकी बात करते हैं, उनका रूट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो व्हाइट रेवोल्यूशन से ही था। किस तरह से मिल्क की प्रोसेसिंग को बढ़ाया जाए, मिल्क की लाइफ को बढ़ाया जाए, मिल्क की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, तो इन सब चीजों पे काम हुआ, ये सब हमने किया। ये सब होने के बाद में अब हमें ये समझना है, ये रिफ्लेक्शन है हमारा कि हम ये सब कर तो रहे हैं लेकिन वो कितना सस्टेनेबल है, कितना हेल्दी है, क्या हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं जो ज्यादा सस्टेनेबल हो, ज्यादा हेल्दी हो लॉन्ग रन में, तो उसी के बारे में अब हम बात करेंगे। सो हमारी लर्निंग जो हुई है वो ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग अवर एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस, बिकॉज इफ वी डिस्टर्ब द बैलेंस देन ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल एंड इट इज गोइंग टू बी आई वुड से हार्मफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को समझें स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हमें ये समझना है कि खाना तो ज्यादा प्रोड्यूस हो ही, लेकिन उसके लिए अवेलेबिलिटी भी सबके पास हो। तो अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ साइंस नहीं होगी, साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी चलेगा, सोशल एस्पेक्ट भी चलेगा और सोशल इक्वलिटी भी चलेगी, क्योंकि खाने की जब हम बात करते हैं तो खाना तो अवेलेबल तो हो लेकिन उसको खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए लोगों के पास में। तो अगर हम बात करें किसानों की बात करें तो किसानों का ये एक नोन फैक्ट है हमारे कंट्री में कि वो बहुत ही स्ट्रगलिंग कंडीशन में वो सर्वाइव करते हैं और वो हमारे लिए खाना उगाते हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक जो कंडीशन होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रगलिंग रहता है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो किसान ये खाना उगा रहा है उसके लिए भी अवेलेबिलिटी हो खाने की और उसके लिए भी सस्टेनेबल हो। तो जो सीड वेराइटी अगर हम
प्रोवाइड करा रहे हैं या साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम उन्हें दे रहे हैं या फिर किस तरह से उनका यील्ड को बढ़ाया जाए, इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो हैंड होल्डिंग जिसको मैं कह सकती हूँ, हाथ लेके उनका चलना, ये सारी चीजों को हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे वो सस्टेनेबल होंगे, वो सस्टेनेबल होंगे तो जो हम ग्रो कर रहे हैं फूड वो सस्टेनेबल होगा और उससे हम सब की एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो आएगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब हमने समझ लिया क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं और हमें क्या करना है, लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक, बढ़ाएं कैसे जो कि सस्टेनेबल भी हो। यील्ड तो हमने बढ़ाई है लेकिन वो सस्टेनेबल भी हो, इसकी हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा पहले स्टूडेंट्स, इन अ वेरी ब्रीफ आई वुड से आपको ये समझना होगा कि किस तरह की क्रॉप्स हमारी कंट्री में होती हैं। तो मेजरली अगर मैं बात करूं तो जो क्रॉप्स हम उगाते हैं वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करती हैं कि हमारा क्लाइमेट कंडीशन क्या है। इंडिया को अगर हम देखें तो क्लाइमेट वाइज ज्योग्राफिकली बहुत डाइवर्स कंट्री है हमारी, कहीं पे तो हम मानसून फेड हैं और कहीं पे हमारा जो सिस्टम है वो वाटर स्टोरेज पे चलता है, कहीं पे बहुत ज्यादा रेनी वेदर होता है, कहीं पे बहुत ड्राई वेदर होता है, कहीं फ्लडिंग की सिचुएशन है, कहीं पे ड्रॉट है, कहीं बहुत ठंड है, कहीं पे बहुत गर्मी है। तो ये हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग अलग है। तो ये जो क्रॉप्स हैं, किसी भी तरह की क्रॉप किस स्टेट में होती है, किस वैरायटी में होती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है और वो उस क्रॉप के लिए सूटेबल है या नहीं। तो टेम्परेचर क्या है, फोटो पीरियड्स क्या है, फोटो पीरियड का मतलब होता है कि सन का ड्यूरेशन क्या है। अगर कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको सनलाइट, हम जानते हैं सब लोग फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी होती है, तो सनलाइट जो है वो उसको कितने टाइम के लिए मिलती है। अगर हम सर्दी की बात करें तो डे टाइम बहुत छोटा होता है, उसमें सनलाइट बहुत कम मिल पाती है, लेकिन अगर हम गर्मियों के सीजन की बात करें तो वहां पे सनलाइट ज्यादा होती है। या फिर अक्रॉस द ज्योग्राफिकल एरिया भी अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, अगर बहुत ज्यादा रेनी एरिया है तो वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है। तो क्रॉप वैरायटी भी उसी तरीके से ग्रो की जाती है। कि अगर हम नॉर्दर्न बेल्ट की बात करें तो वो वीट बेल्ट है, वीट ज्यादा होता है। अगर हम ईस्टर्न पार्ट में चले जाएं तो वहां पे राइस बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, फोटो पीरियड क्या है, टेम्परेचर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, इन चीजों को ध्यान में रख के हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली 2-3 टाइप की क्रॉप्स मानी गई हैं। जैसे खरीफ क्रॉप जो होती है उसका सीजन होता है रेनी सीजन, जून से लेके अक्टूबर अप्रोक्सीमेटली तक इसको सो किया जाता है। और इसकी अगर हम वैरायटी की बात करें तो राइस है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, ये सब वैरायटी हमारी खरीफ क्रॉप्स में आती है। बिल्कुल, प्रियंका जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर आप हैं तो फिर विविधताएं आपको न केवल कल्चर में दिखेंगी, खान पान से लेके हर सब चीज़ों में आप देखें तो आपको विविधता का पुट नजर आएगा। विविधता से एक प्रश्न यहाँ पर फिर भी मेरे जहन में आता है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रखूँ ताकि विद्यार्थियों की जो समझ विकसित हो। आपने बताया कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग फसलों का जो है रख रखाव होता है, उनकी देख रेख होती है और वो वहाँ पर वो उपजती हैं। स्टेट्स के भी कुछ एक आपने उदाहरण हमारे सामने रखे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो क्या हैं? रबी, खरीफ, जायद की फसलों के हम नाम लेते हैं, हमारी जुबान पर अभी भी हिप्स हैं वो, तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आखिर क्या हैं और अलग अलग क्लाइमेटिकल कंडीशंस में अलग अलग स्टेट्स में वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। थैंक यू सर, बिल्कुल। एक मिनट मैं बस लेना चाहूंगी और एक मिनट के बाद में उसी क्वेश्चन पे मैं आपके आऊंगी। आपने बहुत ही मैं कहूंगी रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि जब हम अलग अलग क्रॉप्स की बात करते हैं, खरीफ की बात करते हैं, रबी की बात करते हैं, जैसे रबी फसल है वो नवंबर से लेके अप्रोक्सीमेटली अप्रैल तक होती है, वीट है, चिकपी, एलमंड, ब्रोकली, ये सब वेराइटी है जिसमें होती है। तो अब हमें ये समझना होगा कि ये वेराइटीज तो हमारी है लेकिन हम इनका यील्ड और क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, और उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन हमने पूछा है, उसका क्या रोल है? क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल हम सुनते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये सब क्या कॉन्सेप्ट है और इनकी क्या जरूरत है? तो इनको जब अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, बहुत ही आम भाषा में मैं स्टूडेंट्स को समझाना चाहूंगी, कि अगर हम कोई भी प्लांट को उगाते हैं तो उसकी 3 स्टेजेस हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। पहली, हम कौन सा सीड वहां डाल रहे हैं, क्या क्रॉप वैरायटी है हमारी। तो सीड जो हम डालेंगे पौधा तो वैसे ही उगेगा, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या सीड वैरायटी। नंबर 2, क्रॉप प्रोडक्शन, हमने पौधा लगा दिया, अब क्या नर्चरिंग कर रहे हैं हम उसको, नर्चरिंग पार्ट जो है वो है उसका, टेकिंग केयर पार्ट। तीसरा, जब वो प्लांट हो गया, वो क्रॉप हमारा उग गया, जो फार्म हमने पूरा फार्मिंग हम कर रहे थे वो प्रोसेस हो गया, अब उसको वेस्टेज से कैसे बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या है, ये 2-3 स्टेप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। तो इसमें सबसे पहला वाला जो है क्रॉप वैरायटी, उसकी मैं बात करूंगी डिटेल में आज, मैं बाकी पे तो नहीं जाऊंगी, आज मैं क्रॉप वैरायटी की बात करूंगी और वहीं पे आपका जो प्रश्न है जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला वो बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है।
क्योंकि जब हम क्रॉप वैरायटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी हमारी एडवर्स कंडीशंस हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है क्रॉप वैरायटी चूज करते समय। जैसे कि हम बात करें, हमें हाई यील्ड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खाना बने हमारा, हमें चाहिए गुड क्वालिटी का बने, बहुत अच्छा बने, जो प्लांट ग्रो करे वो डिसीज रेजिस्टेंस हो, उसमें कोई बीमारी ना हो, कोई लॉस ना हो, जितने पौधे मैंने लगाए हैं किसान के तौर पे वो सारे हों। उसके बाद जो वेदर है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें वो सर्वाइव कर पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें अगर हम ड्रॉट की बात करें, फ्लडिंग की बात करें, इन तरह के इश्यूज जो होते हैं उनमें भी वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट है। तो हमारी जो सीड की वैरायटी है वो उस तरह की होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो साइंस में अब बहुत ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइंस के एरिया में हुआ है, और वहां पे कई सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम सीड वैरायटी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जिस सिमिलर जेनेटिक कंपोनेंट होता है उनका, उसको हम क्रॉस कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं प्लांट्स, और वहां से हम ऐसा प्लांट ग्रो करते हैं जिसमें जो सीड्स आते हैं उनमें वो क्वालिटीज होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमें चाहिए, चाहे वो हाई यील्ड हो, चाहे डिसीज रेजिस्टेंस हो, चाहे पेस्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे अडेप्टेबिलिटी हो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वो सारी क्वालिटीज होती हैं। तो ये अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे इंटरवेराइटल हो सकता है, अगर कोई एक स्पीशीज है उसकी अलग अलग वेराइटी है, उसके बीच में हमने क्रॉस कराया। जैसे वीट है, इसकी सोनालिका और कल्याण सोना दो वेराइटी होती है, अगर उस वेराइटी में आप क्रॉस करा देते हैं तो वहां से जो हमारा सीड बनेगा उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटीज होती है। बेकिंग क्वालिटी वीट की बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि कितना अच्छे से बेक होता है वीट, तो वो आ सकता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। इंटर स्पेसिफिक अलग अलग स्पीशीज जो होती है उनको अगर आप क्रॉस कराएं, जैसे एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जेब्रा और डोंकी दोनों को जब क्रॉस कराया जाता है, रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो जोंकी एक एनिमल होता है जिसके अंदर जेब्रा और डोंकी की जो डिजायरेबल क्वांटिटीज होती है, सॉरी क्वांटिटीज कह रहे हैं, जो क्वालिटीज होती हैं वो होती हैं उसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस हैं, लेकिन हाँ, वो कितने सक्सेसफुल हैं, कितना उनका सर्वाइवल हो पाता है, ये हमें आगे देखने की बात है। तो ये अलग अलग तरीके से हाइब्रिडाइजेशन से हम सीड क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, जो क्वेश्चन सर आपने पूछा था, आपने उस पर आना चाहूंगी कि एक तरीका ये भी होता है सीड वेराइटी को अच्छा करने का, कि उसमें हम कुछ ऐसे जीन्स को उनके डीएनए में, जैसे सीड है, सीड के अंदर सेल्स होंगी, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, विच इज द जेनेटिक मटीरियल, उसमें हम कुछ ऐसे जीन्स को इंसर्ट कर दें जिसकी वजह से उसमें वो डिजायर्ड क्वालिटीज आ जाएं, चाहे वो डिसीज रेजिस्टेंस हो, यील्ड को बढ़ाना हो, क्वालिटी को बढ़ाना हो, पेस्ट कंट्रोल हो, ये सारी चीजें उसमें आ जाएं, तो इसी को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो आजकल इस तरह की टेक्निक है जो साइंटिस्ट अडॉप्ट करते हैं, बायोलॉजिस्ट जो है वो अडॉप्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, वो जीन्स को इंसर्ट करते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है सर, सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस फ्रेंजिनेंसिस, इस बैक्टीरिया को वो इंसर्ट कर देते हैं उसके अंदर, और उसके बाद जो सीड्स बनते हैं उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहते हैं, और इन सीड्स को किसानों को दे दिया जाता है, और किसान जब उसको यूज करते हैं अपनी खेती करने में, तो वो जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनमें बहुत सारी क्वालिटीज जिसके लिए हमने किया है, जैसे डिसीज रेजिस्टेंस है, अगर बहुत सारी कॉटन होती है देश में, कॉटन को हम जब ग्रो करते हैं, मैंने लिंक भी शेयर किया है और मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट्स देखें उसे, एक बहुत अच्छी मूवी बनी थी इंटरनेशनली, उसको अवार्ड्स भी मिले हैं, वो मूवी का लिंक मैंने यहाँ शेयर किया है। उसमें यही दिखाया गया है कि हम जब ग्रो करते हैं तो कई बार होता है कि बॉल वर्म्स आके उन कॉटन को खा जाते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन सीड्स को यूज करते हैं तो उसमें बहुत बेनिफिट रहता है, वो डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं और वो बॉल वर्म्स के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं, तो बॉल वर्म्स जो होते हैं वो उसको बर्बाद नहीं कर पाते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। तो इस तरह से और भी बहुत सारी वेराइटी है, जैसे बीटी कॉटन को मैंने बताया, बीटी ब्रिंजल है, बीटी टोमेटो है, बट यस, इसको मार्केट में लाने के लिए अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन है, बहुत ज्यादा डिबेट है, क्योंकि देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वन ग्रुप इज सेइंग दैट दिस इज नॉट हेल्दी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बट अदर इज सेइंग इट इज एज हेल्दी एज एनी अदर क्रॉप एंड वी रियली नीड टू एक्सेप्ट इट। तो ये अभी अगर स्टूडेंट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो दे वुड कम टू नो दैट देयर इज अ डिबेट ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स ऑल्सो। सो दिस वॉज इट सर। एक छोटी सी एक और जो पॉइंट है उसको मैं एलेबोरेट करना चाहूंगी बिफोर वी वाइंड अप आवर सेशन। हमारे पास दो मिनट का समय है, आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें बहुत क्विकली इसको करना चाहूंगी। हालांकि अपनी प्रेजेंटेशन में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके लिए वैरायटी इंप्रूवमेंट जरूरी है। तो पहला फैक्टर होता है हायर यील्ड। हम चाहते हैं, सब चाहते हैं हायर यील्ड हो, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में बात करी प्रेजेंटेशन की कि अगर खाना ज्यादा नहीं होगा तो इतनी पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं होगा, तो इसी के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्रॉप यील्ड बढ़े, तो हायर यील्ड के लिए वैरायटी लाई जाती है सीड में। क्वालिटी कंसिडरेशन, अच्छी क्वालिटी का हो, जैसे कोई भी चावल है, गेहूं है या कोई भी सब्जी है, फल है,
वो एक तो है कि क्वांटिटी बढ़ा दिया लेकिन उसमें हेल्दी कंपोनेंट्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसमें, लेकिन हमें चाहिए कि क्वांटिटी भी बढ़े और क्वालिटी भी बढ़े, तो इसके लिए किया जाता है। जैसे कि प्रोटीन क्वालिटी है, दाल है तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होनी चाहिए, अगर ऑयल सीड्स हैं तो उसमें ऑयल ज्यादा निकलना चाहिए, अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं तो उनमें मिनरल्स विटामिन ज्यादा होनी चाहिए, इसके लिए भी वैरायटी इंप्रूवमेंट सीड्स में किया जाता है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे मैं बात कर रही थी अभी, डिसीज रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट है, नेमेटोड्स हैं, वाटर लॉगिंग है, इन सबसे रेजिस्टेंस हम देना चाहते हैं। चेंज इन मेच्योरिटी, शॉर्ट टर्म की अगर क्रॉप्स होती हैं तो वो जल्दी जल्दी होती हैं, तो उसमें एक साल में हम कई सारी क्रॉप्स को कर सकते हैं, उनको सेविंग, उनका जो वेस्टेज होता है उसको भी रोका जा सकता है, तो इन चीजों के लिए भी सीड वेराइटी जो है प्रोड्यूस करी जाती है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया अक्रॉस अगर हम इंडिया की बात करें तो क्लाइमेट अलग अलग है, तो अगर मैं एक ऐसी सीड वैरायटी बनाती हूँ जो हर जगह सक्सेसफुल है, चाहे कोई भी वैरायटी हो, कहीं पे भी मैं लगाऊं उसको, तो वो बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रख के भी सीड वैरायटी लाई जाती है कि वाइडर क्लाइमेटिक अडेप्टेबिलिटी उसकी हो। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मान लीजिए आप चारा तैयार कर रहे हैं, जानवरों के लिए चारा तैयार कर रहे हैं, आप फॉडर कर रहे हैं तैयार, तो उसमें आप चाहेंगे कि टॉल प्लांट हो और ब्रांचिंग हो, लेकिन अगर सीरियल्स आप तैयार कर रहे हैं, ग्रेन्स को तैयार कर रहे हैं, तो छोटा प्लांट हो, तो इस तरह की चीजों को भी ध्यान में रखा जाए। तो ये कुछ चीजें थी सर जिसको मैंने फाउंडेशन आज बिल्डअप करने की कोशिश करी है स्टूडेंट्स के साथ, कि क्या फूड होता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या नीड है, क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, और अगर हम अच्छी यील्ड लाना चाहते हैं तो हम सीड वैरायटी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, टू डिफरेंट मेथड्स। ये वो सर लिंक्स हैं जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन में, इसको अगर आप टाइप करेंगे तो आपको रिलेटेड एक्सटेंडेड लिंक्स मिलेंगे, यहाँ से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बेहतर कर सकते हैं। सो विद दिस सर आई वुड लाइक टू से थैंक यू। अगर स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो आई एम अवेलेबल। आप देखिए आपने बिल्कुल मर्म को छूता हुआ बात बोली है, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यस विभिन्न आयामों को जो आपने छुआ है स्पेशली वो एक कॉन्टेंट में ज़रूर कंटेक्स्ट याद दिलाना चाहूँगा। उत्पादन क्षमता को जब हम बढ़ाते हैं तो एक एक परिस्थिति, एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर आपको भारी मात्रा में वो स्टफ़ आपको लाना है, मसलन वो गेहूँ या चावल हो या कोई भी मान लीजिए क्रॉप हो या फसल हो, वहाँ पर वो जो क्वालिटी का एक तत्व है वो मिसिंग हो जाता है, जो सेहत को कहीं ना कहीं जाकर बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यस वही तो फिर बात है ना कि परिस्थिति कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, अगर आप उस परिस्थिति में से, कठिन परिस्थिति में से एक ऐसा आयाम ढूंढ निकालें जो न केवल आपको त्वरित आपको ये रिजल्ट दे, बल्कि लंबे समय तक आप उसका उपभोग भी कर पाएँ, तो यस क्वालिटी और मात्रा का जो समावेश है, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की जो भी हम बात कर रहे थे, उसका जो मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रशस्त हो जाता है। तो जो लिंक प्रियंका जी आपने सुझाए हैं, मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको ज़रूर फॉलो करेंगे और उससे भी अपने आपसे भी थोड़ा सा दिमाग लाएँ कि क्या कुछ और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तो फिर सोचेगा कौन। चलिए एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ प्रियंका जी, अगर आपने अब तक गौर नहीं फरमाया है तो इससे पहले कि मैं आपको जाने के लिए कहूँ, राष्ट्रीय कला उत्सव जो कि 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी अवधि 12 जनवरी 2022 तक है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर एनसीईआरटी के सौजन्य से इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी चल रहा है, अनवरत है अभी तक, और एक लिंक नीचे दिया हुआ है। आपने भी लिंक की बात करी, प्रतिउत्तर में मैं भी आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक को ज्वाइन करें और आपसे जुड़े जितने भी ग्रुप में लोग हैं उन सब तक आप इस लिंक को पहुँचाएँ, ताकि घर पर बैठकर वो कला उत्सव का आनंद घर बैठे उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।